नमस्कार पंजाब की सिटी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के पुलिस ग्राउंड में हैं, जहां पर आईटीआई की महिला राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता चली हुई। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस वक्त 400 मीटर की रेस के लिए मुकाबला चला हुआ, फाइनल राउंड है। और काफ़ी जो खिलाड़ी हैं इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, काफ़ी जोश भी दिखा रहे हैं। मौसम इस पर आज, हालांकि मौसम साफ है, गर्मी का मौसम है और जो धूप है उसका भी असर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर देखने को मिल जरूर रहा है। लेकिन जिस तरह का दमखम छात्राओं द्वारा दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है उसमें ये छात्राओं की है, इससे पहले पुरुषों की। और सेकेंड 400 मीटर की खेलकूद प्रतियोगिता है। कौन सी टीम है? मंडी की, क्या नाम है इनका? लवीना मंडी की, जिन्होंने प्रतियोगिता जीती है। 400 मीटर की रेस थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। सेकंड और लवीना जी को आप देख रहे हैं। और सेकंड कौन है इसमें? किरण कुल्लू। सेकंड इसमें कुल्लू ने बाजी मारी है, किरण दूसरे नंबर पर रही है। और थर्ड पे सिरमौर की टीम। आप सोचते हैं कि गर्मी का मौसम है, खिलाड़ी थके हैं, 400 मीटर की रेस थी, किस तरह से खिलाड़ी इस वक्त उन्हें मंडी की लवीना ने इस प्रतियोगिता में बाजी मारी है। 400 मीटर की रेस है और अब 400 मीटर दो हिट है ना सर, इसके एक हिट ही दूसरी है, फिर फाइनल होगा। अच्छा, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, सॉरी। और सेमीफाइनल इस वक्त चला हुआ 400 मीटर। पहले सेमीफाइनल में लवीना मंडी की सबसे आगे रही है। और 400 मीटर की इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेस यहां पर सोलन के पुलिस लाइन ग्राउंड में चली हुई है। आईटीआई की राज्य स्तरीय छात्राओं की यह प्रतियोगिता है एथलेटिक्स की। इससे पहले छात्रों की हुई थी, वो संपन्न हुई, तो अब छात्राओं की शुरू हुई है। और अब इसमें जो दौड़ों के मुकाबले हैं वही रहे हैं, बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता है, बड़े जिस तरह से खिलाड़ियों में जोश देखने को मिल रहा है वो लाजवाब है, क्योंकि सोलन में आज मौसम अभी साफ है, काफ़ी तेज़ धूप पड़ी हुई है और उसके कारण तापमान भी बढ़ा हुआ है, गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन इसका असर खिलाड़ियों के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो अपनी अपनी टीमों का समर्थन भी कर रही हैं। और पहला राउंड पूरा हो चुका है और अगला राउंड में आप देख सकते हैं कि और क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म भी है, एक खिलाड़ी बीच में ही आधी 200 मीटर की रेस पूरी करने के बाद ही पीछे हट गए हैं। हालांकि और निर्णायक गैप बना लिया, कुल्लू की टीम, कुल्लू के खिलाड़ी आगे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके समर्थन में खिलाड़ी और कुल्लू ने इस प्रतियोगिता में बाजी
बाजी मारी हैं। क्या नाम है जी? रेखा कुल्लू की, रीता कुल्लू की ने बाजी मारी है इस राउंड में। क्या नाम है जी इनका? दूसरे तीसरे नंबर पे क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका ये कहाँ से? ऊना से। वे प्रियंका तीसरे स्थान पर इस पर राउंड में रही हैं। 400 मीटर की यह क्वालिफाइंग रेस थी। क्या नाम इनका? दूसरे नंबर पर है। और सोलन के आईटीआई राज्य स्तरीय आईटीआई प्रतियोगिता इस वक्त आईटीआई की प्रतियोगिता चली हुई है। और हंड्रेड मीटर की अब रेस शुरू होने वाली है और काफ़ी ज़बरदस्त इस वक्त मुकाबले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। राज्य स्तरीय यह टूर्नामेंट यहां पर चला हुआ है। ये बच्चे रेस्ट करें, अभी आपको बीच में गैप देंगे, अभी 5-10 मिनट का रेस्ट कर लो, ठीक है ना? उसके बाद और तो हम इनके बंदों को बुलाते हैं, इनके इनका भाई ठीक होती है हमारा पंप ऑफ बार को इनको बुलाते हैं। अभी उठा हम खड़े हैं पुनीत जी, इनके साथ वाली हम खड़े हुए पुनीत भाई। राज्य स्तरीय आईटीआई की यह खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर इस वक्त चली हुई है। नरेंद्र सिंह और सुनो, सोलन आईटीआई के पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता चली हुई है और इसमें पूरे जिला भर के, प्रदेश भर के जो छात्राएं हैं वो भाग ले रही है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ गए हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका सबसे पहले तो स्वागत है। 2 दिनों का इवेंट है, क्या अभी तक जो प्रतियोगिता हुई है किसने बाजी मारी है? नमस्कार। जो 31वां राज्य स्तरीय महिला वर्ग का जो एथलेटिक जो प्रतियोगिता है वो पिछले कल शुरू हुई है। इसमें जो हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जो प्रतिभागी हैं वो सारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। लगभग 350 के आसपास जो प्रतिभागी हैं वो जो विभिन्न हमारे आईटीआईज हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो एथलेटिक्स के हैं और इसमें 100 मीटर की दौड़ है, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़े हैं। साथ में जेवलिन का भी है, इसमें जेवलिन के जो इवेंट है वो हो चुके हैं, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट। तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पे करवाए गए। तो अभी तक कौन कौन से संपन्न हो गए सर? अभी तक जो है इसमें जेवलिन का हुआ है और 1500 मीटर की दौड़ हुई है, 400 मीटर की दौड़ हुई है और शॉट पुट का भी हो चुका है इवेंट। बाकी ट्रिपल जंप भी है, इसमें ट्रिपल जंप भी हो चुकी है। तो ये अभी तक हुए हैं, अभी कुछ होने बाकी हैं। तो ये प्रतियोगिता आज संपन्न होने की कल? ये आज हो जाएगी संपन्न। तो अभी तक जो इवेंट संपन्न हुआ था उसमें कौन सा जिला नंबर वन? अभी तक ऊना जिला जो है वो सबसे आगे है। बाकी अभी होने हैं कुछ, देखते हैं फाइनली क्या निकल के आता है रिजल्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम पुलिस लाइन ग्राउंड से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर आईटीआई की राज्य स्तरीय छात्राओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता चली हुई है। और यहां पर अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं उनमें ओवरऑल बात की जाए तो ऊना जिला ने बाजी मारी हुई है। अब दौड़ें हो रही हैं, 400 मीटर की जो रेस है उसका सेमीफाइनल था जिसमें एक मुकाबले में कुल्लू ने बाजी मारी है, दूसरे में मंडी ने और अभी फाइनल राउंड अभी होना है।
तो बाकी काफ़ी दो दिनों से प्रतियोगिता चली हुई है। उससे पहले छात्रों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता यहाँ पर सोलन में ही आयोजित हुई थी, और इस तरह से काफ़ी अगर हम बात करें तो करीब प्रदेश भर के 350 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और हालांकि यहां पर आज मौसम साफ है, जिस तरह की थोड़ी तेज़ धूप भी देखने को मिल रही है, लेकिन खिलाड़ियों का जो जोश देखने को मिल रहा है वो अपने आप में एक लाजवाब है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो मुकाबले चले हैं वो मुकाबले चले हैं रेस के, और थोड़ी देर के लिए आराम भी दिया गया है। 400 मीटर की अभी रेस ख़त्म हुई है, उसके बाद 100 मीटर की यहाँ पर रेस होनी है। प्रदेश भर के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कौन से ज़िले से आप लोग? सोलन। लोकल हैं। तो अभी तक सोलन का क्या रहा है इस प्रतियोगिता? कौन कौन सी प्रतियोगिता जीती है? लॉन्ग जंप फर्स्ट। लॉन्ग जंप पे फर्स्ट है, हाई जंप थर्ड। हाई जंप पे थर्ड है। और आप लोग किस जिला से हैं? किन्नौर जिला से। किन्नौर जिला का क्या रहा इस बार? वो भी सब में फर्स्ट है। सब में है। पीछे से सर, पीछे से। और आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में काफ़ी जोश भी है, और यहाँ पर जो मौसम है वो भी ठीक है। और किन्नौर के खिलाड़ी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाग ले रहे हैं। उनका भी कहना है कि हम फर्स्ट है, पर लेकिन किन्नौर का इतना बढ़िया मुकाबला प्रतियोगिता में नहीं रहा होगा शायद, लेकिन उन्ना इस वक्त बाजी मारे हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।